मैं तो यहीं पे खड़ा भैया। सुनने में ये बात भले ही अजीब लगती हो, लेकिन चोरी करना भी एक कला है जिसमें कुछ ही लोग निपुण हो पाते हैं। कई चोर तो इतने शातिर हो जाते हैं कि आंख का काजल चुरा ले जाए और पता तक ना चले। वहीं कई चोर इतने बुद्धू होते हैं कि अपनी मूर्खता के चलते पकड़े जाते हैं और कूटे जाते हैं। वैसे अब चोरों को देश में बेरोजगारी के बढ़ते ग्राफ के चलते इसी फील्ड में स्कोप नजर आ रहा है। कई लोग तो बाकायदा इसे अपना पेशा बनाते जा रहे हैं और चोरी करने के अलग अलग निंजा टेक्निक्स इजाद करते रहते हैं। चोरी की ऐसी ही वारदातों से अवेयर करने के लिए हम लाए हैं थीव्स कॉट ऑन कैमरा पार्ट 2, जो आपको हैरान तो करेगा ही, साथ ही आपको सतर्क रहने में भी मदद करेगा। लेकिन ये वीडियो शुरू करने से पहले नए व्यूअर्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर रेलवे के इस कर्मचारी की चालाकी देखिए, जो टिकट खरीदने आए इस शख्स के द्वारा 500 रुपए का नोट देने पर 500 का नोट छिपा लेता है और वापस 20 रुपए दिखाकर उससे और रुपए मांगता है। सुपरफास्ट ग्वालियर। सुपरफास्ट ग्वालियर कौन सा? सुपरफास्ट ग्वालियर। सुपरफास्ट ग्वालियर हाँ, एक 125। देखिए इसकी होशियारी, ऐसी हरकतों से ही देश का विकास रुका हुआ है। ये सीसीटीवी ना होते तो चोरों की करतूतें कभी सामने नहीं आ पाती। राजस्थान के भीलवाड़ा में शराब की एक दुकान में ये चोर बड़े मजे से ठंडी ठंडी बियर के मजे लेता हुआ बियर के ब्रांडेड बॉटल्स अपने थैले में भर रहा है। अपनी चोरी पर कॉन्फिडेंस तो इतना कि चेहरे पर नकाब तक नहीं पहना, लेकिन इसकी अकड़ सीसीटीवी के सामने नहीं चल सकी। इन्हीं फुटेज से पुलिस ने इसे धर दबोचा। वैसे चोरों के हौसले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। इन्हें न तो पुलिस का डर है, न ही जेल का खौफ। तभी तो गुजरात के घर से चोरी करके निकलते समय चोरों की इस गैंग में से एक नकचढ़े चोर की नजर जब सीसीटीवी पर पड़ी तो उसने पहचान छिपाने के मकसद से पहले तो चादर ओढ़ ली, फिर मकान मालिक को चिढ़ाने के लिए सीसीटीवी की तरफ ऐसे ठुमके लगाए मानो इतनी खुशी उसे आज तक नहीं हुई हो। इसी तरह इस सुनसान घर की दीवार पर चढ़ते वक्त इन चोरों की नजर सीसीटीवी पर गई तो बजाय डरने के बेशर्म चोर सीसीटीवी को ही घूरने लगे। खैर, अब इनके सुंदर मुखड़ों को सीसीटीवी ने तो देख ही लिया है, अब इनके चुम्बियों की रिप्लाई तो पुलिस ही करेगी। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर हमारा टारगेट है कि इसे कम से कम 1500 लाइक्स तो जरूर मिले। अगर हम लोग मिलकर इस टारगेट को अचीव करते हैं तो हम आपके लिए लेकर आएंगे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस। तो इस बात पर अभी ठोक दीजिए अपना लाइक। भीड़ में चोर कौन है इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। बंद रेलवे फाटक पर ये सब लोग ट्रेन के गुजरने का इंतजार कर रहे हैं। वहीं इस भीड़ में एक चोर भी छुपा हुआ था जो कुछ देर तक रेकी करता है, फिर मौका मिलते ही एक शख्स के हाथों से मोबाइल छीनकर एंड उसी वक्त भाग जाता है जब ट्रेन आ रही होती है। अक्सर स्टेशन आने से पहले ही यात्री ट्रेन के दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं। उनकी इस जल्दबाजी का फायदा कुछ चोर उठा लेते हैं, जैसे कि यहाँ हुआ। इस ट्रेन की रफ्तार जैसे ही धीमी हुई, एक चोर सीढ़ियों से ही इस महिला का बैग छीनकर वापस कूद गया। वो तो गनीमत रही कि पास खड़े लोगों ने इस महिला को गिरने से बचा लिया, नहीं तो कुछ भी हो सकता था। अब जरा पटना का ये वीडियो देखिए, जिसमें एक चलती हुई मालगाड़ी से दिन दहाड़े तेल की चोरी की जा रही है। ये मालगाड़ी बेहटा में HPCL तेल डिपो तक पहुंचती, उससे पहले ही लोगों ने इस पर धावा बोल दिया और बाल्टियों में तेल भरने लगे। वैसे ट्रेन की छोड़िए, ये चोर तो चलते ट्रक से सरेआम बोरियां चुराने से भी नहीं घबराते। ऐसे लोगों का तो गेम बजाना चाहिए। फूटे भाग इस बाइक चोर के, जो इस बात से बेखबर है कि जिस बाइक को चुरा कर वो जा रहा है उस बाइक का मालिक उसके साथ ही चल रहा है। हमारा दावा है कि इस वीडियो को देखकर आप लोटपोट हो जाएंगे। मैं बहुत देर से देख रहा हूँ, ये बाइक गाड़ी है, ले जा रहा है।
मैं भी देखता हूँ गाड़ी लेकर कहाँ जाता है, पूछताछ से। अब देखिए चोर के आपने देखी भाई, ये गाड़ी कब लिया आपने, कब ली गाड़ी वाली? 2 हफ्ते हो गए। 2 हफ्ते हो गए विक्रांत। गाड़ी का नंबर क्या है? गाड़ी 5-50-30। हाँ गाड़ी का नंबर है, मुझे पूछो कैसे पता। कैसे? बहुत से मेरी गाड़ी चुरा के लाए तू लोग। इस वीडियो में ड्यूटी के दौरान इन पुलिस वालों की नजर बरामदे में सो रहे एक शख्स पर पड़ती है, जिसके बाद ये उसके पास जाते हैं और सोते हुए शख्स की तलाशी लेने के बाद उसे मोबाइल पर अपना हक समझकर उसे लेकर वहां से चल बनते हैं। वाह साहब मौज कर दी। इन महाशय ने तो बिजली चोरी का एक अनोखा ही तरीका इजाद किया है, बिजली के तार को लेकर उसे सीधे हाई वोल्टेज वायर के ऊपर लटका कर अपना घर रोशन कर रहा है। इसे नहीं मालूम कि इस हरकत से जान भी जा सकती है। ए छत के चिंदी चोर, अब तेरे अंडरग्राउंड होने का समय आ गया है, क्योंकि तेरी सारी करतूते रिकॉर्ड हो गई है। मैं तो यहीं पे खड़ा भैया। दरअसल यूपी के गाजियाबाद में बिजली विभाग की टीम इस घर में छापेमारी करने पहुंची, तो वहां छत पर मौजूद ये बिजली चोर निंजा टेक्निक से रेंगते हुए तारों तक पहुँच गया, और जैसे ही तार काटने लगा पहले से ही वहाँ खड़े कर्मचारियों ने उसे रंगे हाथ धर दबोचा। मैं तो यहीं पे खड़ा भैया। अब इस पेट्रोल पंप वाले का शातिरपन देखिए, जो अपनी मशीन की रीडिंग में गड़बड़ी करके लोगों को बेवकूफ बनाकर पेट्रोल की चोरी करता है। ये देखिए मीटर चल रहा है लेकिन उतना पेट्रोल नहीं आ रहा है। तो देखा आपने, इन लोगों की ऐसी हरकतों से ही पेट्रोल पंप वाले बदनाम रहते हैं। औरतों को नई नई ज्वेलरी का कितना शौक होता है ये बताने की जरूरत नहीं। इस शौक को पूरा करने के लिए कई बार तो कुछ चोटी औरतें चोरी की घटनाओं को अंजाम दे देती है, लेकिन खुद को होशियार समझने वाली ये चोरनी शायद ये भूल गई कि कैमरों की नजरों से कोई नहीं बचता। साड़ियों की दुकान पर ये दो औरतें बच्चे की आड़ में कैसे चोरी करती है ये आप खुद ही देख लीजिए। साड़ियां सेलेक्ट करते करते इनमें से एक ने कई सारी साड़ियों को अपने पल्लू के नीचे कुछ इस तरह छिपा लिया कि किसी को जरा सा भी शक ना हुआ। हैदराबाद के मंदिर में आए एक सच्चे भक्त, माफ कीजिएगा सच्चे चोर के अतरंगी अंदाज पर गौर फरमाइए, जो चोरी करने से पहले बकायदा भगवान को हाथ जोड़ता है, परिक्रमा लगाता है और फिर कान पकड़कर माफी भी मांगता है। इधर उधर रेकी करने के बाद भगवान का मुकुट उतार लेता है। इसी दौरान वो डरते डरते कई बार भगवान को हाथ भी जोड़ता है और आखिर में मुकुट को शर्ट में छिपाकर वहां से फारिग हो गया। हे भगवान ये क्या क्या देखना पड़ रहा है। इसी तरह एक एटीएम में जोकर के मास्क वाले इस चोर ने एंट्री तो मार दी, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सका, बेचारे को खाली हाथ ही जाना पड़ा। चलो छोड़ो बेटा तुमसे ना हो पाएगा। लेकिन ये चोर खाली हाथ नहीं जाना चाहते थे। एटीएम पर जब इस बदमाश का कोई जोर ना चला तो ट्रक की मदद से पूरी की पूरी एटीएम मशीन ही उखाड़ ली और चलते बने। ये चोर लोग अब इतने हो गए हैं कि सिर्फ एक कपड़े की मदद से दुकान का शटर तोड़ देते हैं, जिसके बाद वो दुकान में रखा कीमती सामान लेकर 9-2-11 हो जाते हैं। वैसे मशीनों की चोरी तो समझ आती है, लेकिन पता नहीं ये चोर बोरे भर भर के जो कपड़े ले जा रहे हैं उनका क्या ही करेंगे। अब जरा चंदा मांगने आए इस चिंदी चोर की हरकतें देखिए, जो इस दुकान पर आया तो चंदा मांगने था लेकिन चप्पल चुरा कर बाय बाय टाटा गुड बाय कर गया। चलो चंदा नहीं तो चप्पल सही। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, साथ ही चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।